हाय, आज मैं बनाने जा रहा हूँ सूजी पैनकेक। तो उसके लिए सबसे पहले हम लेंगे 2.5 कप ऑफ सूजी। वन कप ऑफ दही हमने ऐड करेंगे। वन कप ऑफ वाटर हम ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट, वन स्पून ऑफ सॉल्ट हमने ऐड कर लिया है। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। पहले हमें पानी इतना ही ऐड करना है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसको 10 मिनट्स तक रेस्ट होने रख देंगे ढक करके। हम 10 मिनट्स इसको रेस्ट होने देंगे। मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। उसके लिए मैंने लिया है चॉप की हुई ग्रीन चिली, ऑनियन, टोमेटो, गार्लिक, मटर, कैप्सिकम, कैरेट, बीन्स, कैबेज, कोरिएंडर। तो अब हम पैन हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बटर, एंड बटर जले ना इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल। एंड अभी हम इसमें ऐड करेंगे ऑनियंस। अभी हम इसको सेकेंगे। भैया तो देखिए हमारे ऑनियंस कितने अच्छी तरीके से सॉटे हो चुके हैं। तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़े से गार्लिक। एंड इसको हम मिक्स करेंगे। तो हम इसमें ऐड करेंगे कैबेज। कहीं नहीं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे कैरेट। बीन्स कैबेज कैप्सिकम हमने ऐड कर लिया है। अब अपने फेवरेट सब्जी ऐड कर सकते हैं। एंड अभी हम इसमें ऐड करेंगे मटर। ग्रीन चिलीज चॉपकी हुई, टोमेटो, सॉल्ट, मिक्स करेंगे इसको। क्रंची हो तब तक हमें इसको मिक्स करना है, सॉटे करना है हमें इसको। सब्जियों में जो पानी होता है वो ड्राई होना चाहिए एंड क्रंची होए तब तक पकाना है। बेसिकली इसको सॉटे करना है। तो इसमें मैं कॉर्न ऐड करूंगा, मुझे कॉर्न पसंद है। आप आपके मन की सब्जी ऐड कर सकते हैं। एंड इसको हमें सॉटे करना है, मिक्स करना है हमें। तो जो भी सब्जियां पसंद है आप वो ऐड कर सकते हैं। ऐड करेंगे कुछ मसाले। सबसे पहले चिली पाउडर, एक चम्मच हमने चिली पाउडर ऐड कर लिया है। धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर। इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला। अगर आपके पास अमचूर पाउडर अवेलेबल ना हो तो आप इसमें लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। एंड इसको मिक्स करेंगे। क्रंची हो तब तक इसको सॉटे करना है। एट द लास्ट हम अभी ऐड करेंगे कोरिएंडर। हमारी सब्जियां अच्छे से क्रंची हो चुकी है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। इसको हमें ठंडा होने देना है। 10 मिनट्स हो चुके हैं तो अब हम लिड हटा लेंगे। तो देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हमारी सूजी फूल चुकी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारी फिलिंग। हमारी फिलिंग भी ठंडी हो चुकी है। तो देखिए हमने सब्जी ऐड कर ली। अब हम इसको करेंगे मिक्स। तो ये अभी ठीक है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे वाटर, थोड़ा सा वाटर हम ऐड करेंगे एंड मिक्स कर देंगे। हम इसमें ऐड करेंगे करीब हाफ स्पून ऑफ सोडा। इसको हमें अच्छे से मिक्स करना है। देखिए हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। इस
तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। और हमने पैन को गर्म होने रख दिया है कि हमारा पैन गर्म हो चुका है। आप घी, बटर, तेल कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने मेल्टेड बटर यूज किया है। ना भी हम इतना ऐड करेंगे जीरा एंड थोड़ी सी राई। सेसम सीड्स हम इसमें ऐड कर लेंगे। क्रंची हो चुका है, हम इसमें ऐड करेंगे हमारा बैटर। इसको कुछ इस तरीके से हमें फैलाना है। इसके ऊपर से भी बटर डालना है। आप तेल, ऑयल कुछ भी यूज कर सकते हैं। इसे ऊपर से साइड से बटर स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसको लेड कवर कर लेंगे क्रंची हो तब तक। हमें इसे सिम पे क्रंची होने देना है। तो देखिए वन साइड से पक चुका है। अब हम इसको पलट देंगे। क्रंची होना चाहिए, बहुत मोटा भी नहीं, बहुत पतला भी नहीं, मीडियम। तो इसको हम दूसरी साइड से क्रंची होने देंगे। तो हमने पलटा लिया है। ये जो साइड में हमारे जो मसाले आए हैं इसको हम बीच में कर लेंगे। हमें इसको क्रंची होने देना है। अब हम इसको लेड कवर कर लेंगे। धीमी आंच पे ही करना। लिड हम हटा देंगे अभी और इसको पलट देंगे। तो देखिए हमारा बन चुका है। अब हम गैस ऑफ कर देंगे। हम आपको सर्व करके दिखाएंगे। देखिए हमने इसको एक प्लेट में निकाला है। अब हम इस पे गार्निश करेंगे कोरिएंडर एंड स्प्रिंकल करेंगे चाट मसाला। अब हम इसको कट करेंगे। इस तरह से हमें कट करना है। तो देखिए हमने सर्व कर लिया है। आपने कभी सोचा है सूजी का भी पैनकेक बन सकता है? तो ये इतना टेस्टी होता है एंड न्यूट्रिशंस होता है क्योंकि इसमें भरपूर वेजिटेबल्स है। एंड आप इसको कौन किसके भी साथ सर्व कर सकते हैं एंड प्लेन भी खा सकते हैं, उतना ही अच्छा लगेगा। मैंने इसको टोमेटो केचप एंड ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर लिया है। अब मैं टेस्ट करूंगा। सो यम्मी। अगर आपने कभी ये पैनकेक नहीं खाया तो आप जरूर